जहाँ जहाँ मतलब जैसा जैसा पड़ाव पड़ता था, तो शरीर में जो कपकपाहट है शरीर का, और ये रूह जो खड़ा होता है एकदम, वो एकदम महसूस होना चालू हो गया था। मैं सोचा था मेरा भी हो रहा था। क्या कुछ हुआ था, किन समस्याओं का भी सामना? रात में हम दो भाई सोए थे यहाँ, तो यहाँ झिल्ली की आवाज, चावल वावल फेंकने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, भागने की आवाज आई है। हो सकता है कि आप इसे अंधविश्वास कहेंगे, हो सकता है कि आप इसे किसी असामाजिक तत्व की हरकत कहेंगे, या हो सकता है आप इसे किसी विज्ञान का चमत्कार कहेंगे। लेकिन तब मुझे वार्ड के लोगों का फोन आया कि वार्ड में अलग अलग प्रकार की आवाजें आ रही हैं और चावल छीटने जैसा कार्य हो रहा है, और इससे लोग बहुत डरे सहमे हैं। तो मैंने नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश और ब्लाइट टाइम देखना शुरू कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त मैं इतनी बारिश में छाता लेकर क्यों खड़ा हूं, और इतनी रात में तकरीबन 12 बज चुके हैं और इतनी रात में मैं इस अंधेरे में छाता लेकर खड़ा हूं। मैं बता दूं, मैं राजनांदगांव में हूं, राजनांदगांव के बसंतपुर के राजीव नगर वार्ड में, और इस वार्ड में वार्डवासियों की तकलीफें सुन के समस्या जानकर मैं आया हूं। यहां एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, हैरान कर देने वाला और थोड़ा सा अविश्वसनीय मामला भी सामने आया है। हो सकता है कि आप इसे अंधविश्वास कहेंगे, हो सकता है कि आप इसे किसी असामाजिक तत्व की हरकत कहेंगे, या हो सकता है आप इसे किसी विज्ञान का चमत्कार कहेंगे। लेकिन ये क्या हो सकता है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। दरअसल इन यहाँ के जो लोग हैं वो पिछले 5 रातों से सोए नहीं हैं, पिछले 5 रातों से जग रहे हैं। क्यों जग रहे हैं ये तो हम उन्हीं से जानेंगे, और यहाँ के वार्ड वासियों के अलावा पार्षद से, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रात में 12 बज रहे हैं, काफ़ी अंधेरे का समय है। और आपको बता दें कि ये सूचना मिली है कि रात में लगभग 12 बजे के बाद, 1-2 बजे के समय लगभग, किसी प्रकार से एक भूतिया आवाज़ आता है, एक ऐसी आवाज़ जिसको सुनकर लोग डर रहे हैं। ये पिछले 5 दिनों की बात है, 5 दिनों से ऐसा हो रहा है। और भी कई मामले हैं, घर के सामने चावल फेंक दिए जाते हैं, लेकिन ये पूरे मामले हम उसी की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये घटना जो है वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। हालाँकि हमारा उद्देश्य किसी अंधविश्वास को फैलाना नहीं है, बस घटनाक्रम को आप तक पहुँचाने हैं। रात के 11 बज रहे हैं और हम किसी के घर जाने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम देवा यादव है। अच्छा जी। लगातार पिछले पांच दिनों से ऐसा मामला सामने आया जिसमें लोग डर गए हैं और 5 रात से सोए नहीं है। जी जी, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई तो है, बाकी मैं 4-5 दिन में कल ही थोड़ा जग पाया हूँ, बाकी जगे रहे थे लड़के लोग साहब, लेकिन कल थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। अच्छा। है ना, ये जो पहले जो होता था ना, चावल फेंकना, ये फेंकना, वो चुनाव के समय में होता था, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, जो भी है 5 साल में जो अपन भी चलते थे पहले, वो बात नहीं है, अपन भी चलते थे कि जागते थे कि कौन फेंकता है, क्या करता है, चुनाव है ना, अब वो क्या मालूम भाई, है ना। लेकिन कहते थे लोग कि ये हाँ चावल फेंकते थे, इधर बांधेंगे उधर बांधेंगे, ये सब चीज है ना। तो उसी को लेकर आज वैसी लगा, कल जो नाइट का था ना, अभी पिछले 4 दिन हो गया अपना गणेश पंडाल जो बन रहा है ना, उसी को लेकर अपन जग रहे हैं। तो जगने के अनुसार वो खैर 2 दिन तो थोड़ा लग ही लगा है, लेकिन जो कल नाइट का जो है 1 बजे से करीबन 2:30 बजे तक अपन जगे हैं, वही मामले में कि लड़के लोग सोए थे वहाँ, 2-4 लड़के वहाँ सोए थे और आवाज अजीब से थोड़ा आई है ना। उसके बाद दरवाजे, क्या बोलते हैं, चावल का आवाज है, कुछ रेत वेत जैसे ऊपर में ना। तो मैं गया, बुलाया मेरे को, 2 बजे कॉल किए थे लड़के लोग, मतलब 1:30 बजे लगभग, है ना, टाइमिंग देखा नहीं था, लगभग आधे घंटों के तो 1:30 बज गया था मेरे को। गया मैं, उसके बाद बोला लड़के, क्या बात है? बोले यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप के महसूस हो रहा है आज, है ना, जो कभी नहीं हुआ था, है ना, 1-2 दिन से हो रहा है लेकिन पता ही नहीं था। कल जब गया ना, मैं तो खुद महसूस किया था, मैं कल गया था तो मेरे को वो शरीर में थोड़ा सा सुनपन होना,
है ना। हाँ हम लोग के, मैं अकेले ही, मेरा नीचे गणेश पंडाल में, मैं तो ऊपर ही रहता हूँ, है ना। 2 बजे बुलाया मेरे को, तो गया इसी घुमा थोड़ा, क्या है कुछ होगा, है ना। तो देखा इधर इधर सब कुछ नहीं होता, मैं खुद बोल रहा हूँ ये सब कुछ नहीं होता रे, दोस्ती यारे होगा कुछ। तो थोड़ी देर बाद देखे ना, तो इधर इधर घूमे चारों तरफ, अपन खुद घूमे, लकड़ी वकड़ी पकड़ के लेके चले हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ मतलब जैसा जैसा पड़ाव पड़ता था, जो शरीर में जो कपकपाहट है शरीर का, और ये रूह जो खड़ा होता है एकदम, वो एकदम महसूस होना चालू हो गया था। मैं सोचा तो मेरा भी हो रहा था, लेकिन मेरे साथ 3 भाई और थे, हाँ ना। हो सकते गणेश पंडाल पर नीचे गए थे, बात किए होंगे लड़के लोगों से, बताए होंगे, कोई तो बताए होंगे, ये रियल है। तो अपन क्या है, 1:30 बजे से लगभग 2:30 के बीच में ये होता रहता है। अरे अभी का नहीं, अभी 3-4 दिन हो गया, तो पहले का बात चुनाव उनाव का बात अलग था, लेकिन ये फिर से हो क्या रहा है, ये है। चुनाव में मतलब डर महसूस किया था मैं कल, उसके बाद अपन करीबन 1:45 बजे है, मैं ऊपर आ गया, लड़के लोगों को बोला ऐसा कुछ नहीं होता, सो जाओ। सोने के बाद बोला कि थोड़ा देर हुआ, जस्ट ऊपर आया, जस्ट यही दरवाजा खोला मेरा, आप लोग आए अंदर, वहीं से उसके बाद ऐसा आवाज आया, थोड़ा अजीब टाइप का आवाज आया जी, बोलते हैं ना जैसे कि जंगल वंगल जाते हो क्या, वो तो लकड़ बकड़ क्या बोलते हैं रात में, थोड़ा नाइट में अजीब सा आवाज आता है उसका, है ना, या चिल्लाने का, कुत्ते का नहीं, कुत्ते का नहीं, कुत्ते को तो देखा ही नहीं कल भाई, जो मेरे कुत्ता मेरा था ना उसको देखा ही नहीं मैं, लोमड़ी, हाँ वैसे ही, मतलब नहीं उसका आवाज ही अलग था, अलग था, अलग ही आवाज, जैसे कि हाँ जैसे कि कुछ आवाज करते हैं ना, जिसको किसी को खाने का पाएंगे, या वो बोला कि थोड़ा मतलब जैसे कि चिल्लाते हैं नहीं जो देवी देवता जो आ जाए, तो किसी के ऊपर आ जाए, समा जाए, तो अजीब से आवाज करते हैं मेरे को, बहुत तेज आवाज, हाँ वो आवाज बहुत तेज थी कल की, कल की आवाज, हाँ वो पहले बार है, मेरा पहला बार है मैं देखा हूँ, मतलब महसूस किया हूँ, अंदर आते आते, अंदर भी नहीं आते पूरा, बस लड़के लोगों को बोला कि जाओ सो जाओ, मैं ऊपर से देख रहा हूँ, जस्ट सोए ऊपर और बस मेरे नीचे दे, यहाँ से देखोगे जिसे पंडाल दिखेगा वहीं से आवाज आया, कि थोड़ा सा वो आवाज बोले ना कि जो कलकत्ता में जो काली माई का आवाज करते हैं ना, वैसे टाइम में थोड़ा आवाज ही अलग था उसका। क्या कुछ हुआ था, किन समस्याओं का भी सामना? भाई सोए थे यहाँ, तो यहाँ झिल्ली की आवाज, चावल वावल फेंकने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, भागने की आवाज आई है यहाँ हम लोग, हाँ चिल्लाने की आवाज सब चीज की आई है। जब हम बाहर निकल के देखे तो यहाँ पे कोई नहीं दिखा हम लोग को, जब फिर अंदर आते थे तो फिर चिल्लाने की आवाज, झिल्ली बजने की आवाज, ये तिरपाल इरपाल को हिलाने की आवाज आती थी। लगभग रात के कितने बजे? रात के वही 2 बजे के बीच में। कितना दिन से लगातार? ये 5 दिन हो गया लगातार, हाँ ये घटना होते रहते, किसी के घर का दरवाजा बसता है, किसी के घर पे कुछ और पड़ा रहता है, चावल वावल पड़ा रहता है किसी के घर के पास, घर के अंदर बाहर के बाहर में चावल पड़ा रहता है, इतनी मात्रा में ये बहुत मतलब फेंक देते हैं, थोड़ा बहुत फेंकते रहते हैं कहीं भी। और ये घटना बहुत पहले से हो रहा था, बीच में बंद हो गया था अभी। बहुत पहले भी हुआ था, क्या हुआ था? पहले हुआ था जो चिल्लाने इल्लाने की आवाज हुई थी, अभी बंद हो गया था, फिर अभी चालू हो चुका है। तो हम लोग सोते हैं, 2 लोग सोते, पहले दिन नहीं हुआ था, कम हुआ था उस दिन, तो कल जब ज्यादा हुआ, कल झिल्ली की आवाज, चिल्लाने की आवाज, जब हम बाहर निकले तो कोई नहीं दिखा, और हम लोग चारों तरफ घूमे तो यहाँ पे कोई नहीं दिखा हमको, और हम वही बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। आवाज कैसी थी? आवाज मतलब महिला की थी, हाँ महिला की थी आवाज, थोड़ा बता पाए तो अच्छा है, नहीं तो उतना मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, उतना बताऊंगा तो बहुत चिल्लाऊंगा तभी निकलेगा उतना आवाज, ऐसे में नहीं नहीं तो हम लोग तुरंत निकले, थोड़ा सा ज्यादा नहीं चिल्लाई, चिल्लाई और तुरंत गायब हो गई, उतना आवाज नहीं आया। डर हम लोग 4 लोग थे यहाँ पे, 4 भाई थे, डर बहुत था, 2 लोग तो यहाँ थे, तो 2 लोग के बाद में हम लोग फोन लगाए, 2 लोग को तो भाई लोग आए, तो यहाँ कुछ ज्यादा ही मतलब हम लोग आधा घंटा यहाँ पे बैठे थे, बैठने के बाद में हम लोग यहाँ पे छोड़े छाड़े छोड़ के हम लोग अपने अपने घर गए सोने। मतलब कभी किसी के गेट के सामने चावल वावल फेंकना या और कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है तो लोगों के मन में और थोड़ा ज्यादा डर सा माहौल हो जाता है, तो उसी कारण होता है कभी कभी किसी का घर का गेट खटखटाना आधे रात को, ऐसा कुछ आता है, सब हुआ भी है, हाँ ऐसा भी हुआ है। खोल के देखे हैं? खोल के देखने पर वहाँ कोई मौजूद नहीं रहता, और
उसके बाद फिर वही यहाँ आसपास के मोहल्ले में भी यही सब चीज होते रहता है, और पेट्रोल वेट्रोल चोरी होते रहता है, और कई बार तो एक बार बगल वाले मोहल्ले में स्कूटी चोरी हो गया, वो सब चीज़ है। पता नहीं उसका पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा है, वो गाड़ी भी एक्टिवा सोल्ड था, वो भी चोरी हो गया। और बोले जाए तो बहुत सी है घटनाएं, बस वही फोन। यहाँ अगले साल हम लोग जब सोए थे तो फोन भी चोरी हो गया, यहाँ गणेश पंडाल पे सोए थे तो फोन भी चोरी हो गया था। आसपास के मोहल्ले में जो डर का माहौल है, जैसे कि कोई ख़त्म हो जाता है एक तो, मतलब लगातार एक दो तीन जो ऐसे ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा टाइप में भी है। और ये चावल वावल चीतना जो भी है तो आदमी के मन में डर सा माहौल रहता है ऐसे में। रात के 12 बज रहे हैं और ब्लाइट टाइम्स की टीम जो है वो राजनांदगांव के बसंतपुर पहुंची है इस घटनाक्रम को जानने के बाद, और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ था। और वार्ड के पार्षद भी हमारे साथ है। आपके वार्ड के जो वार्डवासी हैं लोग हैं वो पिछले 5 रातों से सोए नहीं हैं, लगातार डर रहे हैं, डर का माहौल है वार्ड में। क्या कुछ मामला है और कितनी सच्चाई है इस मामले में? देखिए, आप स्वयं भिलाई टाइम्स की पूरी टीम यहाँ पर है। हम रात के 12 बजे गश्त कर रहे हैं खुद होकर के। आज घटनाक्रम इस प्रकार का था। कल रात में लगभग 3:30 बजे जब मैं मेकाहारा में था, वार्ड के एक पेशेंट को लेकर के गया हुआ था, तब मुझे वार्ड के लोगों का फ़ोन आया कि वार्ड में अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं और चावल छीटने जैसा कार्य हो रहा है और इससे लोग बहुत डरे सहमे हैं। तो मैंने सुबह आकर के जब राजनांदगांव आया, जैसे ही मैं रायपुर से, तो वार्डवासियों के पास गया, उन्हें समझाइश दी कि इस अंधविश्वास से लोग दूर रहे इस तरीके से जो है। तो इसको लेकर के मैंने थाना प्रभारी को आवेदन दिया कि रात में गश्त बढ़ाई जाए, हो सके कोई कई प्रकार के असामाजिक तत्व रहते हैं जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हों। दरवाज़ा खटखटाने का जो आरोप लग रहा है और पेट्रोल चोरी को लेकर के भी आरोप लगा है और इस प्रकार से आवाज़ आने का भी बात का उल्लेख किया है वार्डवासियों ने। इस पर मैं पूर्ण तरीके से यह कहूँगा कि यह अंधविश्वास है, इस पर हमें भरोसा ना करके हम यह उपाय देखें कि इसके और बेहतर, क्योंकि आधुनिक युग है, आज हम सब पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं और इस तरीके से हम बात करने लगेंगे तो ये निश्चित ही फेलियर जाएगा। हालांकि चुनाव के वक्त भी मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने मेरा साथ दिया था, कम से कम 40 से 50 लोग हर एक चौक चौराहे में खड़े थे। ये चावल छीटने के को लेकर के उस वक्त भी बातें आई थी और बीच बीच में इस प्रकार की बातें आती हैं। और जब भी वार्ड में अनहोनी जैसा होता है तो लोग इस प्रकार से भ्रम में रहते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ये भ्रम ना करके इसका उपाय निकालना हम ज़्यादा उचित होगा। थाना बसंतपुर क्षेत्र में वार्ड नंबर 42 राजूनगर के पार्षद रति शास्त्री द्वारा आमजन के साथ एक लिखित शिकायत थाना बसंतपुर में इस आशय से दिया गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा रात में पेट्रोल चोरी करने के आशय से, अन्य असामाजिक गतिविधि करने के आशय से चावल फेंक कर कुछ अजीब से भूत प्रेत का आवाज़ निकालकर लोगों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। इस शिकायत आवेदन को थाना बसंतपुर गंभीरता से ले रही है, आम लोगों को कैमरे लगाने की अपील कर रही है और साथ ही थाना बसंतपुर पुलिस की आम लोगों की अपील रहेगी कि अंधविश्वास में ना आए। थाना बसंतपुर पुलिस असामाजिक तत्व जो इस प्रकार से गतिविधि कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। अभी तक थाना बसंतपुर पुलिस को भूत प्रेत से कोई तथ्य सामने नहीं आया है। आम लोगों से थाना बसंतपुर पुलिस की ओर से अपील रहेगी कि अंधविश्वास में ना आए और इस प्रकार से असामाजिक तत्व जो इस प्रकार से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनके खिलाफ थाना बसंतपुर पुलिस जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, थाना प्रभारी बसंतपुर, वीरा राजनगर।